यहाँ का हूँ, मेरा मनासू ये है। तो जब मैं 8 साल का था तो मैंने तब सन्यासी बनने का शुरू किया, तो अभी मैं यहाँ हूँ। हाँ जी, अच्छा लग रहा है अभी। This is Ladakh's biggest festival and one of India's most vibrant cultural celebrations. In a one-of-its-kind experience which celebrates the birth of Padmasambhava, the founder of Tibetan Buddhism, the two-day celebration attracts visitors from across the world. The festival showcases the charm dance or a mask dance and unveils the thangka, a religious painting on cloth which happens once every 12 years. We speak to a resident monk of the Hemis Monastery to find out more. So we are at Ladakh's famous Hemis Festival, which happens once every year, and we are here to talk to everyone about what it actually is. जी, Hemis Festival के यहाँ के लद्दाख में हर साल जून जुलाई में मनाए जाते हैं। तो बहुत लोग आता है, श्रद्धालु बाहर से आता है, आपको देख सकते पूरा फॉरेनर से आप सबसे ऊपर में। हाँ जी, तो हर साल यहाँ के दो कैलेंडर हम फॉलो करते हैं, एक टिबेटन कैलेंडर, एक इंग्लिश। आज से बहुत साल पुराना है, भगवान बुद्ध के समय भी चलते आ रहा है, ये बहुत पुराना है। टिबेट से होते हुए सब हर हिमालयन रीजन में सब फेस्टिवल माने जाते हैं। हिमिस के अलावा और भी है लद्दाख में, मैं भी 1617 मुनासरी में, तो हिमिस हर साल समर में होगा। इसके अलावा ठीक से मुनासरी, माठो मुनासरी, वो लोग विंटर ऑटम में फेस्टिवल माने जाते हैं। हमारे सारे मॉन्क्स के बड़े लंगर होते हैं, उसमें सबको गेस्ट लोग को अलग होता है, और मेरे बाकी बाहर के लोगों भी सबको भी खाना यहाँ खिलाते हैं। Would you visit this next year? For more informative videos like this, keep watching India Today Newsmo.